युवा उम्र के उस मुकाम पर है कि उसके पास जज्बा होता है, हौसले होते हैं, कुछ करने की ताकत होती है, एनर्जी होती है। युवा अवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है, लेकिन युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ऊर्जा है, जो भी ताकत है, जो भी एनर्जी आपके अंदर है, जो भी हौसले आपके अंदर हैं, एक बात याद रखना कि आज हैं ये कल रहेंगे जरूरी नहीं है। उम्र के साथ साथ शरीर थकता है, उम्र के साथ साथ विचार थकते हैं, उम्र के साथ साथ हमारा मन थक जाया करता है। इसलिए जो भी करना है वह अभी करो, इसी वक्त करो और पूरी ऊर्जा के साथ करो। ऐसा करो कि कल जब आप अपने माता पिता की उम्र के होंगे तो आपके पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हम जिंदगी में ये नहीं कर पाए। गलत चीजें नहीं, सही चीजों के लिए मैं कह रहा हूं, वो चीजें जो हमें इज्जत प्रदान करें, वो चीजें जो हमें सम्मान प्रदान करें, वो चीजें जो हमें एक अच्छे लोगों की गिनती में हमारा नाम लिखाएं, वह सब कर लीजिए जो भी करना है। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि आज से 10 साल पहले मैं जितना कर पाता था, आज 50 साल का हो रहा हूं, उतना काम अब मुझसे नहीं होता है। जैसे जैसे शरीर शिथिल पड़ेगा, हमारी काम करने की इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, फिर बाद में हमें पछताना पड़ सकता है। आप पछताए ना, जिंदगी में जो भी करें सोच विचार करके काम करें, और काम ऐसे करें, कोई भी काम, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, एक ही आपको मैं सीख दे रहा हूं आज, यही मुझे आपसे कहना है कि कोई भी कार्य करें तो उस कार्य को ये सोच करके करें, ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम है, क्या भरोसा कल कर पाए या ना कर पाए। सोचो यदि कोई आपसे कह दे कि जिंदगी में थोड़ी देर बाद आपकी खत्म होने वाली है, तुमको जो कुछ भी करना है कर लो, केवल एक दिन का जीवन बचा है, जो करना हो कर लो, कैसे जी जान लगा करके फिर हम उस कार्य को करने में जुट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मृत्यु हमारे पास आ रही है, लेकिन ये तो कह रहा हूं कि बुढ़ापा दिन दिन हमारे पास आ रहा है, पल पल हमारे पास आ रहा है। इसलिए अभी हमारी बढ़ती हुई उम्र है, और उस बढ़ती हुई उम्र में जो भी हमें करना है, जीवन की ऊंचाइयां पाना है, उसे पा लीजिए। हर कार्य को इतनी सफाई से करना, इतनी अच्छे सलीके से करना कि दोबारा तुम्हें करने का मौका ना मिलेगा, और तुम्हारा वह कार्य लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर के खड़ा होगा। ऐसा ही आप करिए। आप लिखें तो ऐसा लिखें कि ये मेरा आखिरी लेख है, आप पढ़ें तो ऐसा पढ़ें कि मेरी आखिरी पढ़ाई है, आप कुछ भी सृजन करें तो ऐसा करें कि मुझे भूल सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा, ये बस लास्ट है, ये फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो पहले हम लोग टीचर जब लेक्चर देते थे तो हम लोग पहले रफ कॉपी में लिखते थे, घर जाकर के उसको फेयर किया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि फेयर करना भूल जाते थे, तो रफ कॉपी में जो लिखा जाता था बहुत दिनों के बाद हम खुद ही नहीं समझ पाते थे कि जल्दी जल्दी में हमने क्या लिखा है, बहुत सोचना पड़ता था। मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि देखो, रफ कॉपी की आदत मिटाइए, जो कुछ भी लिखो वो फेयर लिखो, जो भी लिखो स्पष्ट लिखो, सुंदर लिखो। वह बात मेरे दिल में घर कर गई, मैंने रफ कॉपियाँ बनाना बंद कर दी। जो मैं स्कूल में लिख लेता था वही मेरी फाइनल कॉपी हुआ करती थी, बड़े सोच समझ के लिखता था, उससे मुझे बहुत फायदे हुए। इसका मतलब है रब के ओर ध्यान ना देके फेयर हो की ओर ध्यान दीजिए। हर काम को पूरा करिए, पूरी आत्मीयता से करिए, पूरी पावर और शक्ति के साथ करिए, क्योंकि युवा भाइयों, युवा बच्चों, युवा बेटों, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे हाथ पैरों में, तुम्हारे आँख में, तुम्हारे दिमाग में पावर है। उसका उपयोग करके रफ काम की आदत छोड़ो, फेयर काम करना शुरू करिए, पक्का काम करना शुरू करिए। काम कितना भी छोटा हो उसे पक्का करेंगे, यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ।